स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड्स, ठीक है। टुडे वी विल डू द इलास्टिक लिमिट ऑफ सॉलिड, ठीक है। मेन क्या होता है? इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी, ठीक है, इस न्यू टर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी मेन लिया आप ना इसे अपने नॉर्मल एक बार लाइफ से सोचो। आपको पता है स्प्रिंग्स, ठीक है, स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं, ठीक है। पेन में भी आगे जो टिकटॉक वाले पेन होते हैं उसमें भी जो आगे वो आयरन का एक छोटा सा वो आता है, छोटा सा टुकड़ा आता है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है, वो क्या होता है? स्प्रिंग होता है, ठीक है। आप उसे कंप्रेस करते हो तो वो स्प्रिंग क्या हो जाता है? ऐसे है ना, ऐसे हो जाता है। और आप उसे खींचते हो तो जो इसके नंबर ऑफ स्पाइरल्स है वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड लाइक दिस, ठीक है। मेनली देखो अब और फिर आप इसे छोड़ते हो, खींचा आपने उसे छोड़ा, दोबारा से वो इसी पोजिशन पे आ जाएगा। आपने उसे कंप्रेस किया, ठीक है, ऐसे कंप्रेस किया, देन आपने उसे छोड़ा तो दोबारा से वो इसी पोजिशन में आ जाता है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, सब खेलते हैं ये गेम उस पेन से निकाल के, ठीक है। तो मेनली ये ऐसे होता था। अब देखो जब क्या होता है बेटा, ऐसे स्प्रिंग से आया, स्प्रिंग से क्या हुआ, ठीक है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया देन छोड़ा, दोबारा से वो उसी पोजीशन पे आया। हमने उसे एक्सपेंड किया देन छोड़ा, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इस ऐसे देखो जैसे स्प्रिंग है ओरिजिनल, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। मैंने इसे कंप्रेस किया लाइक दिस, इतना सारा साइज इसका छोटा हो गया, ठीक है। ये क्या आई? कंप्रेशन वाली। अब देखो अब मैंने इसे अगर एक्सपेंड किया तो इसके नंबर ऑफ स्पाइरल्स लाइक दिस हो गए होंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। मानो ये मेरा हुआ वाई, डिक्रीज हुआ तो माइनस वाई, ये मेरा इंक्रीज हुआ प्लस वाई, ठीक है। जब हमने इन्हें छोड़ा, यहां से हमने छोड़ा तो दोबारा से वो एक्स पे गया, ठीक है। माइनस वाई से मैंने वो दोबारा से उसे छोड़ दिया, कंप्रेस करना बंद कर दिया। कंप्रेस होता है मेरा प्रेशर लगाना दोनों तरफ से, ठीक है, फोर्स लगाना, ऐसे किसी चीज को दबाना, ठीक है, वो होता है कंप्रेशन, ठीक है। और एक्सपेंड आपको पता है खींच के एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो आपने जब इसे प्लस वाई को छोड़ा देन वो आया इस अपनी दोबारा से एक्स पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम एक्सपेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, वो मूव कर रहे हैं दोबारा से किस पे? अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, ठीक है। या फिर आप किसी भी एक स्प्रिंग को आप हैंग कर दो, ठीक है, स्टील का कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्टील का कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग स्टील मेटल का, आपने उसके नीचे कोई मास लटकाया, ठीक है, उसे ऐसे टांग दिया और उस पर मास लटकाया किसी स्प्रिंग पे। अब मास लटका हुआ बेटा, कोई वजन लटका हुआ है तो वो नीचे खिंच जाएगा, ठीक है। मास को हटा दोगे तो स्प्रिंग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग किसका था? स्टील का, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि स्टील की भी कैसे इलास्टिसिटी हो रही है। अब उसी चीज से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं स्प्रिंग को, जैसे हमने किसी चीज को खींचा था तो इलास्टिक हमारी खींची जाती थी, देन हम उसे पहन लेते थे निक्कर को, जब हम उसे छोड़ देते थे वो हमारी कमर को पकड़ के और वहीं पे स्टेबल हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोरिलेशन में सिंपली बिल्कुल ऐसे ही हमारा क्या होता है? स्प्रिंग पे, ठीक है, हम उसे खींच रहे हैं तो वो खींच जाता है, देन हम उसे छोड़ते तो वो दोबारा से क्या हो जाता है? कंप्रेस्ड, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है? प्रॉपर्टी हो जाती है पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रॉपर्टी का नाम है हमारा इलास्टिसिटी, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो ओरिजिनल पोजिशन है उसी को रिटेन या रिगेन करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है? हमने किसी चीज को कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, ठीक है, कंप्रेशन या एक्सपेंडेशन के बाद जो प्रॉपर्टी होती है हमारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या मेटल की या सॉलिड्स की, ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी जो उसे वापस उसी की पोजिशन पे लाएगी, ठीक है। जैसे कोई लेंथ इंक्रीज एल हुई, एक्सपेंडेशन के बाद इंक्रीज इन लेंथ एल हुई, तो हमारा छोड़ने के बाद एक्सपेंडेशन पे जो फोर्स लगा रहे थे वो छोड़ने के बाद वो दोबारा से वो एल जो डिस्टेंस उसकी बढ़ी वो घट जाए। जैसे इसमें प्लस वाई बढ़ी तो क्या हो?
अगर इसमें ये प्लस वाई बढ़ी है तो क्या हो बेटा, जब मैंने इस पे यहाँ से फोर्स लगाना छोड़ दिया, फोर्स मैंने छोड़ा तो वो दोबारा से किस पे आई, अपनी इसी पोजीशन पे। ये क्या थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी ओरिजिनल पोजीशन। तो हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, इलास्टिसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू गेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉरी ऑफ अ बॉडी लिख लो, ठीक है, किसी भी एक बॉडी की, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे किसी भी बॉडी पे मैंने क्या लगाया था बेटा, कोई फोर्स, ठीक है, उसके क्या रिमूवल के बाद दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आने के लिए, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल पोजीशन पे आने की, उसे क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मेनली क्या होता है बेटा, तो मेनली क्या होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हुआ, जैसे कोई भी हमने फोर्स लिया, ठीक है, जो हमारा मेनली ये फोर्स होता है, ठीक है, जो हमारी छोड़ने के बाद जो ये प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो हमारे ये फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारे किसी भी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिस फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन होती है उसे क्या बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, छोड़ने के बाद उसकी लेंथ में थोड़ा बहुत तो चेंज आ जाएगा। क्या होता था, मेरा स्प्रिंग लूज हो जाता था या फिर कहीं से वो बढ़ा हुआ रह जाता, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आती थी, थोड़ा बहुत शेप में साइज में क्या हो जाता है घट या बढ़ जाता था, ठीक है। इसी डिफॉर्मेशन को, दोबारा से फॉर्मेशन को क्या बोलते थे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसकी वजह से डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। मीन्स जो ओरिजिनल पोजिशन हुई वो एग्जैक्ट नहीं आती, नियरली आ जाती है बट एग्जैक्ट नहीं आती। अगर आप बार बार खींचोगे तो वो एग्जैक्ट के नियर भी नहीं आती है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी इलास्टिक को खींचते थे बहुत दिन तक तो वो क्या होता था, आपकी वो खराब भी हो जाती थी निकल, है ना। सेम ऐसे वो खराब हो जाती थी, वो पहन नहीं पाते थे, वो खुली तो खुली की खुली रह गई, ठीक है, वो दोबारा से ऐसी जकड़ी नहीं जाती थी, ठीक है। तो मेनली इसे हम क्या बोलते थे डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है बेटा, अब देखो जैसे हमारा कोई भी है, ये इलास्टिक जो हमारा बिहेवियर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉलिड्स में, ठीक है। मेनली कैसे, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स हुए, या फिर हमारा क्या हुआ, किसी भी आप देखो कोई भी कंस्ट्रक्शन करो, किसी भी ब्रिजेस की, ब्रिजेस में क्या होता था हमारे वायर यूज होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे लगे होते हैं, जैसे ब्रिज हमारा ऐसे है, ठीक है, जैसे वो बीच में से ऐसे जाते हैं, जैसे कोई भी आपने अपना देखा होगा, ठीक है, जैसे कोई भी आप ब्रिज बना देते हो रिवर के ऊपर, ठीक है, तो उस पे ऐसे वायर लगे होते हैं, जैसे ऐसे वो बंधा होता है ऊपर से भी मेनली। और जो ब्रिज नहीं होता है, ठीक है, मेनली उसमें क्या होता है, ऐसे वो आयरन के कुछ पिलर्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे वो पानी में भी लगा होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ये यहाँ पे आयरन लगा हुआ है, ठीक है, आयरन ऐसे स्ट्रेट हो तो वो कब तक ऐसे स्ट्रेट रह सकता है, ठीक है, ट्रेन के आने से दबाव पड़ने से वो थोड़ा ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। एक
कंडीशन में ढल जाना, ठीक है, जो भी उस पर फोर्स लग रहा है उस पर वो अपोजिशन ना करे, क्योंकि देखो मैं इस चीज पे फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, ये अगर पीछे ना जाए, बहुत ज्यादा फोर्स है, ये यहीं का यहीं रहे तो इसके चांसेस होते हैं टूटने के, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या करती है, उसी चांसेस को कम कर देती है, जैसे मैंने इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ढक के पीछे गया ये, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसने थोड़ा सपोर्ट लिया इस चीज का ताकि ये टूटे ना, अब ये ऐसे का ऐसे रहेगा तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इलास्टिसिटी उस सब्सटेंस को टूटने से बचाती है, ठीक है, मेनली जो उसकी टूटने वाली जो ब्रेकेबल पोजीशन आ जाती है वो कम कर देती है, ठीक है। इसमें भी आगे मैं पढ़ाऊंगी कि ब्रेकेबल पोजीशन इलास्टिसिटी में भी आती है, उसे क्या बोलते हैं, वो आगे कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से अब देखना कि इलास्टिसिटी हमारी कैसे कैसे यूज होती है, ठीक है, ब्रेजेस में, वो जो इसकी टूटने वाली, जैसे बहुत ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो आयरन वहां से टूटने की चांसेस बढ़ जाएंगे, बट एज आयरन इज इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक होने के कारण वो इसके टूटने के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा, तो इसलिए मेनली इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है हमारा इलास्टिसिटी का, ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है मेनली कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स, रोपवेज एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड्स की, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, इलास्टिक इलास्टिसिटी आप अच्छे से समझ गए हैं, इसमें क्या करना है, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप इलास्टिसिटी को मेटल से या सॉलिड से कैसे कोरिलेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही करेंगे। थैंक यू सो मच।